मतलब शाम के पहले खाना खा लेने का, सूरज डूबे से पहले। तब तो मुझे दो बार खाना पड़ेगा। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के 6 बजे है और आज सुबह 4 बजे मुझे एक राइड पे जाना था। मैंने सब तैयारी भी कर ली थी, कपड़े निकाल लिए थे, हेलमेट में माइक्रोफोन लगा दिया था, सब कैमरा चार्ज पे रख दिए थे। बट कल रात को जियो, पता नहीं उसको क्या हुआ था कल रात को, उसको क्या मस्ती सूझी थी, बार बार जग के फिर पापा पापा मम्मी चिल्ला रहा था और सो ही नहीं रहा था। तो उसने ना ठीक से रात को सोने नहीं दिया, इसलिए सुबह मुझसे उठा नहीं गया। तो ये राइड हमारी हो चुकी है कैंसिल। ये राइड हम कल सुबह करने की वापस ट्राई करेंगे, फिलहाल जा रहे हैं सोने। कुछ सूझ नहीं रहा है, दिमाग सुन सा हो गया है, बहुत लेट तक हम लोग जगे थे। 2 hours later। सो गाइस, एक बार आप बाहर का मौसम चेक करो, बिल्कुल परफेक्ट मौसम है आज का राइड पे जाने के लिए, बट नहीं जा पाए। देखिए अभी आज क्या करूँगा मैं, आज का कंटेंट क्या होगा मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। बट सुबह सुबह हमने कैमरा पकड़ लिया था, तो मतलब इस ब्लॉग को हमको ख़त्म तो करना पड़ेगा। एक बहुत बड़े ब्लॉगर है, अगर आपने नाम सुना हो, आई एम श्योर आपने सुना ही होगा, केसी नाइस्टैक। उन्होंने ना यहाँ पे हाथ पे एक टैटू बनवाया है, ऑलवेज बी क्लोज। मतलब एक बार आप कुछ शुरू करते हैं, आप कोई भी चीज़ शुरू करें, चाहे वो फिर कोई काम हो या फिर कुछ भी, अगर आप एक बार वो चीज़ शुरू करते हैं तो उसको ख़त्म करना ही पड़ेगा, उसको ख़त्म करके ही छोड़ो, चाहे अच्छी तरीके से या बुरी तरीके से। ऐसा उन्होंने मतलब बताया था उनके टैटू का। तो हमने सुबह सुबह कैमरा पकड़ लिया, इसलिए इस ब्लॉग को हम ख़त्म करेंगे, चाहे अच्छी तरीके से या बुरी तरीके से, बट ख़त्म करेंगे। तो आज जब हमारा प्लान फ्लॉप हो ही गया है, तो आज ना हम आपको हमारी रूटीन लाइफ दिखाएंगे। तब आज मैं पूरे दिन में जो जो भी करूँगा वो सब आपको दिखाऊँगा। तो फिलहाल तो मैं खाना खा रहा हूँ, ये देखिए, खाना खा के कपड़े प्रेस करूँगा, कपड़े प्रेस करके स्कूल जाऊँगा, ठीक है। अभी बजे सुबह के 9:30 और घर पे कोई है नहीं, हम अपने काम में बिजी है और जीव वहाँ पे टीवी देख रहा है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे कपड़े प्रेस करने हैं और स्कूल के लिए निकलना है, बट इसके साथ भी बैठना पड़ेगा क्योंकि ये फिर या वहाँ चढ़ के गिर जाता है। हाँ जी गाइस, तो कुछ भी मैनेज करके पूनम को थोड़ी देर जियो के पास बैठा के मैंने कपड़े प्रेस कर लिए और अब मैं जा रहा हूँ स्कूल। और स्कूल जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देख रहा, ये मेरे पैर के अंगूठे को पता नहीं क्या हुआ है, तो मैं शूज़ नहीं पहन सकता। अभी ऐसे फॉर्मल कपड़ों पर मैं चप्पल पहन के जाऊँ थोड़ा अजीब लगेगा, बट हाँ आज वही करना पड़ेगा। और चप्पल भी कैसी, पता है, ये थंब टच नहीं होना चाहिए, ये थंब टच नहीं होना चाहिए चप्पल से, वैसी चप्पल। तो वैसी चप्पल मैंने ला के रखी है क्योंकि ये मेरे थंब में बहुत दिनों से चल रहा है। सो गाइस, ये चप्पल पहन के हम आज जाएंगे स्कूल। और ये चप्पल भी कैसी है, देखिए यहाँ पे जो वो बीच में आता है ना, वो इस चप्पल में नहीं है, तो मेरे थंब में पेन नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से ये चप्पल मैंने हमारे टाउन से ढूंढी, हमारे टाउन में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, थैंक गॉड ये मिल गई। तो जी, मेरी पानी की जो बॉटल है वो बहुत बड़ी है, तो रोज़ उसको ले जाने में ट्रबल होता है, बट अभी ना गर्मी स्टार्ट हो गई है तो पानी तो ज़्यादा ही पीते रहना चाहिए, इसलिए मैं बड़ी बॉटल लेके जाता हूँ। इस बॉटल को हमारे बैग में आता है कि नहीं, ये देखो इसमें भी नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रख के जाते हैं धीरे धीरे। सो दिस इज़ माई क्लास, 8th standard का मैं क्लास टीचर हूँ। तो ये मेरा क्लास फिलहाल खाली है, अभी थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे। सो गाइज, आज ना हमारे स्कूल में बच्चों का वैक्सीनेशन भी है, तो वो भी आज होगा थोड़ी देर में, थोड़ा बहुत दिखाएंगे आपको।
नंबर 10 11 चोक चोक कई रीतना बने ओके कंस्ट्रक्शन ऑफ ए जोक नो मतलब है कि जोक जोक नो बंधारण शू छे अपने जेने गुजराती में जोक्स की बराबर ने देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ जोक जोक्स ना घना बड़ा प्रकार छे कोई पोताना पर जोक्स करे करे ने कोई कोई ना जोक्स ने अंदर ये पोते जो कोई बीजा पर जोक्स करे आ बे मेन प्रकार छे પોતાના પર જોક્સ કરે એટલે કે જેટલા પણ જોક્સ બને પોતાના પર એક દિવસે જૈનિસ જતો હતો એક દિવસે જૈનિસ બારડોલી જવા નીકળ્યો રસ્તામાં પડી ગયો એ ટાઈપનો કોઈ જોક્સ બને યસ हाँ जी गाइस तो पीरियड चेंज हुआ है दोपहर के 12:30 बजे दूसरे पीरियड में जा रहा हूँ मैं स्टैंडर्ड 6 में गुड आफ्टरनून सिट डाउन हाँ जी गाइस तो दोपहर के 1:30 बजे से 2:30 बजे तक हमारा लंच ब्रेक होता है तो लंच ब्रेक ख़त्म हो गया अब मैं मेरा तीसरा और चौथा पीरियड लेने जा रहा हूँ उसके बाद लास्ट 2 पीरियड बचेंगे हाँ जी गाइस तो स्कूल से छुट्टी हो चुकी है 5 बज चुके बच्चे जा रहे हैं बच्चे जैसे ही बाहर जाएंगे हम भी निकल जाएंगे घर के लिए हल्दू हाँ जी आते ही दूध निकाल लिया गाय का वैसे तो मैं स्कूल से आऊँ तब तक मम्मी काम निपटा लेते तब देखा बट आज उनको शायद लेट हो गया होगा इसलिए मैं भी आते ही बैठ गया गाय का दूध निकाल ले चियो हाँ जी गाइस तो घर पे आने के बाद फ्रेश हो गया हूँ मैं बिल्कुल एकदम ये देखिए चकाचक पूनम कुछ तो बना रही है क्या बना रही है अभी उससे जानते हैं पहले हम फैन ऑफ करते हैं शाम के 6 बजे ऑमलेट यस व्हाट्स द पॉइंट डिनर कर रही है डिनर अभी से हाँ। फिर नहीं खाना तुमको मैं अक्षय कुमार से इंस्पायर हो गई हूँ क्या शाम हो फिर नहीं खाने का कुछ सूर्य डूबे के बाद ठीक है आज रात को 10 बजे मैं मंचूरियन राइस लेने वाला हूँ ठीक है लेने जाने वाला हूँ तो वो नहीं वो तू नहीं खाना नहीं मैं बोल देती हूँ मैंने दोपहर को कुछ नहीं खाया था मैं इसलिए मुझे भूख लगी है अच्छा मछली जल की रानी है रानी है रानी है जीवन उसका पानी है हाँ जी गाइस देखा बाप बनना ना इतना इजी नहीं है बच्चों को जब सुलाने की बारी आती और बच्चा जब सोए नहीं ना तब इरिटेशन तो नहीं होती बट एक अजीब सा वो क्या होता है पुनः क्या बोलते हैं उसको कुछ तो बोलते हैं रे जाने दो क्या कर रही है वैसे तू वहाँ पे इधर आ इधर आ इधर आ ये कब से ये पता नहीं कौन सा पुराने जमाने का इसका एक लहंगा निकाला है लहंगा नहीं क्या है ये कुर्ता निकाला और कब से मेरे को पूछ रही है कि ये लंबा है या छोटा अरे भाई लंबा है वो मत पहनो अभी वो चौटा बाजार से हम लाए थे नए वो निकालो ना सो गाइस कल सुबह वापस राइड करने की मैंने प्लानिंग तो की है सब कल से रेडी है सब पैक ही है बस सुबह उठ के निकल जाना है बट होप कि जीव कल रात को जैसे हमको परेशान किया वैसे आज रात को ना करे नींद कंप्लीट नहीं होती फिर जाना होता नहीं है और पूनम ने आज पता नहीं कौन सा तूने वो सब्सक्रिप्शन लिया है इधर आ कुकू एफएम ओके कुकू एफएम का पूनम ने सब्सक्रिप्शन लिया है तो उसमें पता नहीं कौन सी बुक इसने सुनी है और उसमें उसको ये सुनने मिला है कि किसी भी इंसान का जब वज़न कम ना हो रहा हो ना तो उसके पीछे का मेजर रीज़न क्या है पता है नींद ज़्यादा नींद नहीं कम नींद किसी इंसान को अगर कम नींद मिले तो उसका वज़न कम नहीं होता है तो मेरे को बहुत टाइम से कम नींद मिल रही है वो ना क्या किया जाए बोलो क्या क्या कौन सा है दिखा चेंज योर शेड्यूल चेंज योर लाइफ ये वाला
ये बुक तू पढ़ नहीं रही है, सुन रही है। तो क्या इसमें क्या क्या कौन सा शेड्यूल चेंज करने को बोला है? सुबह मतलब शाम के पहले खाना खा लेने का, सूरज डूबे से पहले। तब तो मुझे दो बार खाना पड़ेगा। मैं भी वही सोच रही थी। चल आज तो मैंने फॉलो किया, अभी कल से देखे। पूनम ने आज वैसे सूरज डूबने से पहले खाना खा लिया। अभी रात को मेरे से कुछ मंगाना मत था, मैं जल्दी से वीडियो एडिट करके सोने जा रहा। चलो बाय।